हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रवाह, इंग्लिश क्लास 6 एंड 7, वर्कबुक, वर्कशीट 1 एंड वर्कशीट 2। तो आज हम अंग्रेजी कक्षा 6-7 की कार्य पुस्तिका में वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 सॉल्व करेंगे, समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट 1, कॉम्पिटेंसी लिसन्स टू इंट्रोडक्शंस एंड रेस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। क्वेश्चन नंबर 1, लिसन टू योर टीचर एंड सर्कल द वर्ड्स दैट रिलेटेड टू द देम ऑफ फेस्टिवल। जो फेस्टिवल से रिलेटेड हैं उन वर्ड्स पे हम सर्किल करेंगे, गोला बनाएंगे। दशहरा फेस्टिवल है, फुटबॉल फेस्टिवल नहीं है, सेलिब्रेट फेस्टिवल नहीं है, होली फेस्टिवल है, क्राइम फेस्टिवल नहीं है, स्कूल फेस्टिवल नहीं है, हैप्पीनेस फेस्टिवल नहीं है, फायर क्रैकर्स ये एक फेस्टिवल है, दीपावली, फेयर फेस्टिवल नहीं है, इंजॉय फेस्टिवल नहीं है, इविल फेस्टिवल नहीं है, राखी फेस्टिवल है, स्वीट्स फेस्टिवल नहीं है, सेड फेस्टिवल नहीं है, गार्डन फेस्टिवल नहीं है, पीपल फेस्टिवल नहीं है, विलेज फेस्टिवल नहीं है, लेजीनेस फेस्टिवल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिसन टू योर टीचर एंड टिक द सेंटेंसेस दैट रिलेट टू द देम ऑफ फेस्टिवल। जो फेस्टिवल से रिलेटेड सेंटेंस है उन पे हमें टिक लगाना है। ए, सीमा ट्रैवल्ड बाय हर साइकिल टू गेट टू द फायर ग्राउंड, यह फेस्टिवल से रिलेटेड नहीं है। बी, आई लव ईटिंग स्वीट्स दैट माई मदर मेक्स ऑन दिवाली, यह फेस्टिवल से रिलेटेड है, इस पर हम टिक लगाएंगे। सी, शी कैन बी वेरी एंग्री समटाइम्स, फेस्टिवल से रिलेटेड नहीं है। डी, कैन यू कम हियर प्लीज, ये भी फेस्टिवल से रिलेटेड नहीं है। ई, माय ब्रदर मेड ए वेरी डिसाइसिव डिश ऑन ईद, फेस्टिवल से रिलेटेड है, इस पे हम टिक लगाएंगे। एफ, गणेश कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर नाउ, फेस्टिवल से रिलेटेड नहीं है। जी, वी सेलिब्रेटेड होली विथ आवर टीचर्स, फेस्टिवल से रिलेटेड है, इस पे हम टिक लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी वर्कशीट 1। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की ओर। नेक्स्ट वर्कशीट 2, कॉम्पिटेंसी रिलेटिव राइम्स एंड राइट्स इन रेस्पॉन्स। रिसाइट द गिवन राइम्स एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विथ योर फ्रेंड, देन राइट द आंसर्स इन द गिवन स्पेस। हमें यह राइम पढ़नी है, डिस्कस करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। चलिए हम इस राइम्स को पढ़ते हैं। थैंक यू गॉड फॉर द वर्ड सो स्वीट, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर द बर्ड्स दैट सिंग, थैंक्स यू गॉड फॉर एवरीथिंग।
देखिए हम इस पे डिस्कस करते हैं। थैंक यू गॉड, भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद दिया जा रहा है। किसके लिए? फॉर दी वर्ड सो स्वीट, कितना सुंदर वर्ड बनाया है, संसार कितना सुंदर बनाया है, उसके लिए गॉड को थैंक यू बोला जा रहा है। और गॉड को थैंक यू बोल रहे, थैंक यू गॉड फॉर दी फूड वी ईट, हम जो खाना खाते हैं, फूड जो हम ईट करते हैं, उसके लिए भी किसको? गॉड को थैंक यू कह रहे हैं। फिर और थैंक यू कह रहे हैं, थैंक्स यू गॉड फॉर दी बर्ड्स दैट सिंग, बर्ड्स सिंग गाते हैं, पक्षी गाते हैं, उसके लिए भी गॉड को थैंक्स कह रहे हैं। और थैंक्स कह रहे हैं, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, जो भी बनाया है इस वर्ल्ड में, जो भी बनाया है संसार में, जो भी बनाया है, उन सभी के लिए गॉड को थैंक यू कह रहे हैं। अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु डू यू विश टू थैंक, आप किसको थैंक कहेंगे, लिखेंगे हम इसका आंसर। वी गिव थैंक्स टू गॉड, वी गिव थैंक्स टू गॉड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू वांट टू थैंक देम, आंसर लिखेंगे वी वांट टू थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग, वी वांट टू थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 को समझा। आप भी इसे प्रैक्टिस कीजिए और सुंदर सी हैंड राइटिंग के साथ में आप अपनी नोटबुक में इन्हें ज़रूर लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।